अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध रूप से रेत परिवहनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई की और 13,50,000 रुपए कीमत के 3 ट्रैक्टर के साथ ही इस रेत परिवहन में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुतवाली थाना क्षेत्र के शासन चौकी अंतर्गत मुझौली गांव के नाले से अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा रेत परिवहन की मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कुतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में मुखबिर द्वारा लगातार अवैध रेत परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिनके ऊपर कार्रवाई करते हुए खनिज अधिनियम व अन्य विधिक धाराओं के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं इन सभी व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। खनन परिवहन के आरोप में 3 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, क्या मामला था? आज दिनांक को पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रेत का उत्खनन ग्राम मझौली के पास म्यार नदी से कर रहे हैं, जिस पर एक विशेष टीम मौके के लिए रवाना की गई और उस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई, जिस पर 3 ट्रैक्टर, जो कि तीनों ट्रैक्टर स्वराज कंपनी के हैं और तीनों ट्रैक्टर के चालक जो क्रमशः सुरेंद्र कौर, बबलू रावत, अखिलेश कुमार प्रजापति हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पजेशन से ट्रैक्टर रेत भरा हुआ जब्त किया गया और संबंधित ट्रैक्टर के मालिकों को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और सभी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसके पहले भी ये ऐसे उस कार में लिप्त थे क्या? अब इस पूरे तथ्यों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और अनुसंधान के क्रम में इस तथ्य का पता लगाया जाएगा कि किस कब से ये चालक और मालिक इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। पूरी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।